हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरी वीडियो एक अमृत जल के ऊपर है। हम आज अमृत जल बनाएंगे गोबर से और गाय। ये गौमूत्र है, ये पीपल के नीचे की मिट्टी है जिसमें इसमें ऑक्सीजन से भरपूर है, और ये गुड़ ले लो या शक्कर, और ये बेसन। तो हम शुरू करते हैं अमृत जल बनाने की प्रक्रिया को। सबसे पहले हम 1 किलो गोबर डालेंगे और फिर इसमें डालेंगे गौमूत्र, और हमें ये अच्छी तरह घोलना है इसकी गांठों को, ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। कहते हैं कि ऐसे घोलने से हमारे हाथों में जो माइक्रोब होते हैं वो इसमें भी आ जाते हैं। इसे हमें अच्छी तरह घोलना है। उसके बाद डालेंगे हम शक्कर। और इसी तरह हमें शक्कर को भी अच्छी तरह घोलना है, ताकि इसकी कोई भी गांठ इसमें ना बचे और इसका मिश्रण अच्छी तरह बन जाए। ये हमारे पेड़ों के लिए एक बहुत ही नेचुरल न्यूट्रिशन है। इस डालने से हमें सप्ताह में एक बार इसे डालना चाहिए, ताकि हमारे पेड़ अच्छे से ग्रो करें और उन्हें भरपूर विटामिन मिले। इसके बाद हम पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी और ये बेसन इन्हें भी मिक्स करेंगे। और इसे अच्छी तरह घोलेंगे। इसे हमें 3 दिन तक घोलना है, 12 बार सुबह, 12 बार क्लॉकवाइज और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से हम 10 लीटर के पानी में डाल देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे हमें 3 दिन तक 12 बार ऐसे और 12 बार इस तरह बोलना है सुबह शाम, और फिर 3 दिन इसे ढक के रखना है, और 4th दिन इसे 100 लीटर के ड्रम में डाल देना है। और फिर जितना बड़ा आपका पॉट हो उसी हिसाब से सप्ताह में एक बार इसे गमलों में डाल दें। इससे ना तो हमारे पेड़ जलेंगे सूखी खाद डालने से और ना ही नुकसान होगा। इसे डालने से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा।